माँ की जो कि अब तोजी बन गई है एंड अपने ही फादर को मार दिया है। और हाँ, इसमें स्पॉइलर भी है, तो बिना किसी इंट्रो के स्टार्ट करते हैं। गोजो के सील होने के बाद जब माँ की ज़ेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर जाती है कर्स टूल लेने, तो माँ की के फादर ओजाई बैठे होते हैं और कहते हैं यहाँ कोई कर्स टूल नहीं है। वही बगल में माए बुरी हालत में गिरी हुई थी और बोलती है यू इडियट, तुम यहाँ क्यों आई हो। माँ की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी अचानक ओजाई उस पे फॉलिंग ब्लूसम डोमेन से अटैक करता है। इस डोमेन के अंदर ये हमें कर्स एनर्जी प्रोटेक्शन देता है, बट इसमें कर्स टूल से हमें प्रोटेक्शन नहीं देता। ओजाई बोलता है क्या तुम्हें पता भी है मैं क्लैन का हेड क्यों नहीं बन पाया, मेरा बड़ा भाई नाइबुतो क्यों बना। माँ की रिप्लाई देती है क्योंकि तुम अपनी बेटियों को मारना चाहते हो, देख रहे हो किस टाइप का बाप है। ओजाई फर्स्ट मूव करता है बट माँ की उसे डोज कर देती है। माँ की अपने सोर्ड को टाइटली पकड़ती है और ओजाई की तलवार काट देती है। ओजाई माँ की को एक पंच मारता है और अब इसके सोर्ड में कोई दूसरी ब्लेड थी जिससे वो माँ की पे अटैक करके अधमरा बना देता है। यही उसका फादर बताता है उसके हेड ना बनने के पीछे उसके चिल्ड्रन थे, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन में हेड वो बनता है जिनके चिल्ड्रन पावरफुल होते हैं। माकी और मैं नाबुतो के बेटे जितने पावरफुल नहीं थे, ऐसे बाप को तो सच में मार देना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में ओजाई माकी और माई को घसीटते हुए ले जा रहा होता है और उन्हें ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन रूम में फेंक देता है जहाँ काउंटलेस लोअर कर्ज स्पिरिट थे। ओजाई उन्हें छोड़ के चला जाता है ये सोच के कि वो कर्सेस उन्हें खा लेंगे। तभी माई माकी के क्लोज आती है और बोलती है ये एक ना एक दिन तो होना ही था। माई माकी को चूमती है, माकी की आंखें खुल जाती है। अब तुम ये मत कहना कि ये प्यार वाली किस थी जो डिज्नी दिखाती है। सॉरी, अपने टॉपिक पे आते हैं। वो इनेट डोमेन में थे जो डोमेन एक्सपेंशन से अलग होता है, जो कि सकुना और इतादोरी के साथ होता है। माई उसके बगल में बैठी थी, माकी कहती है मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती थी। माय बोलती है तुम शायद मेरी कर्ज टेक्निक को समझ चुकी हो और वैसे भी मैं मरने वाली हूँ क्योंकि मेरे घाव काफी गहरे हैं। माय उठती है और एक रिवर क्रॉस कर रही थी और कहती है गुड बाय, तुम अपने रास्ते जाओ। माकी उसे रोकने की कोशिश करती है। माय बोलती है मुझे पहले से ही पता था कि ट्विंस कभी पावरफुल सोर्सरर बन ही नहीं सकते, क्योंकि जुजुत्सु काइजन वर्ल्ड में ट्विंस अपनी बॉडी ही नहीं अपनी कर्ज एनर्जी एंड कर्ज टेक्निक को भी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का लिमिटेड यूज ही कर पाते हैं। और इसी रीजन की वजह से माकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। माई वो रिवर क्रॉस करते करते बोलती है जब तक मैं रहूंगी तुम फुल्ली डेवलप नहीं हो पाओगी। माकी बोलती है मैं समझ गई, अब तुम वापिस आ जाओ। माकी उसका हाथ पकड़ती है और माई कहती है मैं तुम्हें अपनी कर्ज एनर्जी एंड सभी चीजें देती हूँ, बट तुम्हें एक प्रोमिस करना होगा, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अब माकी के हाथ में शायद एक घास या कोई फसल थी। नेक्स्ट सीन काफी इमोशनली था। अब माकी उस रूम में उठती है और माई को जगाने की कोशिश करती है बट वो मर चुकी थी और माकी के हाथ में एक सोर्ड थी जो माई ने अपनी कर्ज एनर्जी दी थी। तभी सारे कर्सेस ने उसे घेर लिया था। ओजाई को एक आवाज सुनाई देती है, वो देखता है यहाँ कोई कर्ज स्पिरिट नहीं है। माकी बहुत गुस्से में थी। ओजाई बोलता है ये डर जिसको मेरा शरीर भुला नहीं पाया। माकी सेम तोजी जैसी लग रही थी क्योंकि वो अब हेवनली रिस्ट्रिक्शन को लिमिटलेस यूज कर सकती थी और मांगा वालों ने इसे अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। ओजाई ब्लेजिंग कर्ज टेक्निक का यूज करता है और कहता है मैं अपने हाथों से तुम्हारी हड्डियां तक जला दूंगा। माकी आगे बढ़ती है और कहती है सो लेट अस फाइट माय वर्थलेस चाइल्ड। माकी सिर्फ एक अटैक में ओजाई का सर काट देती है और ये अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि माकी ने कहा था डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो समझ रहे हो।